बेटा सेकंड एनालिटिकल टेक्निक इज मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है हमने इससे पहले एएस में पढ़ा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, जब हमारे पास एक ग्राफ आया करता था जिसमें आइसोटोपिक अबंडेंस का एक ग्राफ आता था कि क्लोरीन के दो आइसोटोप से एक की हाइट दी होती थी, दूसरी की हाइट भी दी होती थी, जिससे हम मेजरमेंट करते थे। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है, ये टेक्निक जो है, इसको हमने थोड़ा सा एएस में टच दिया था, अब इसको दोबारा जो है एएस में जो किया था, जो ए2 में करना है, सारे का सारा कंबाइन करके देखते हैं इसको। तो ये एक एनालिटिकल टेक्निक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों एनालिसिस होते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है हाउ मच, एंड क्वालिटेटिव का मतलब होता है व्हाट इज। जो आप टाइट्रेशन करते थे वो क्वांटिटेटिव था, जो आप सॉल्ट एनालिसिस करते थे वो क्वालिटेटिव था कि भाई सल्फेट है या सल्फाइड है, वो क्वालिटेटिव है, ठीक है, और कितनी मोल्स आ रहे हैं वो क्वांटिटेटिव होता था। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं एनालिटिकल, एनालिटिकल टेक्निक्स में हम ये दो काम कर रहे होते। ये यूज की जाती है डिटेक्ट आइडेंटिफाई डिफरेंट आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। इससे हम डिफरेंट आइसोटोप्स निकालते हैं, एक्यूरेट आइसोटोपिक मास निकालते हैं उसका, जैसे क्लोरीन का 35.5 होता था। परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप, कि क्लोरीन जो है 35 वाला 75% होता है, 37 वाला 25% होता है, वो भी इससे निकालते हैं। डिटरमिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये जो है A2 का पार्ट था, जबकि ये सारा जो है हमने इससे पहले AS में किया था। अब देख लेते हैं इसको दोबारा। इसके जो मेन फीचर्स हैं वो है, हमारे पास पांच फीचर्स हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। इस बात को समझाने के लिए हम आगे थोड़ा सा काम करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं ये काम कैसे करता है। इसमें सबसे पहले जो है, हम किसी भी सैंपल को वेपराइज करते हैं। इसकी डायग्राम जो है एक छोटी सी हम बनाने की कोशिश करते हैं, फ्लो चार्ट डायग्राम, बल्कि फ्लो चार्ट तो नहीं है, एक्चुअल डायग्राम थोड़ी सी बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास ओवन है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सैंपल इजेक्ट करते हैं। यहां से हमने सैंपल लिया, उसको इंजेक्ट कर दिया, और ये सैंपल जो है, लेट से मैं इसमें बता देता हूं अभी आपको, जिसको आप लोग जानते हैं वही सैंपल ले रहा हूं, क्लोरीन है। फिर इसके बाद अगर तो ये गैस है, ठीक है, अगर गैस नहीं है, जैसे सोडियम गैस नहीं होता, मरकरी गैस नहीं होता, ब्रोमीन गैस नहीं होता, तो किसी भी सैंपल को लाजिमी गैस में कन्वर्ट करना होता है, तो हम ओवन को ऑन कर देते हैं अगर वो गैस नहीं है। फिर इसके बाद जो है, यहां पर, यहां से हमने एक रास्ता दिया होता है पैसेजेस को, और एक नए चैम्बर के साथ इसको कनेक्ट किया होता है। यहां से कुछ इस तरीके से, और इसके बीच में हमने एक सेप्टम दिया होता है, वॉल्व लगा होता है, बंद किया होता है इसको। यहां से ये, यहां से कुछ ऐसी ट्यूब टाइप का होता है, यहां से हमने प्रेशर इसका रिड्यूस कर देते हैं, प्रेशर पंप लगाया हुआ है यहां पर, जिसकी वजह से प्रेशर इसका रिड्यूस कर देते हैं। अब यहां पर हमने ऑलरेडी एक प्लेट लगाई होती है, इसके अंदर एक सुराख होता है, स्लिट लगी होती है, और ये पॉजिटिव प्लेट है। इसके बाद जो है, यहां पर हमने प्लेट लगाई होती है नेगेटिव, अब इसमें होता क्या है, ओवन के बाद इस चैम्बर को हम कहते हैं वेपराइजेशन चैम्बर, सॉरी आयोनाइजेशन चैम्बर, आयोनाइजेशन चैम्बर। होता क्या है यहां पर, यहां पर आपने एक फिलामेंट लगाया होता, और यहां से ये फिलामेंट, यहां से ये नेगेटिव, और यहां से ये पॉजिटिव प्लेट होती है। इस पे जो है हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं,
हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इतना वोल्टेज अप्लाई करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। आपको पता है कि आईई आयोनाइजेशन एनर्जी हर एलिमेंट की अलग होती है, किसी की 500 होती है, किसी की 300 होती है, किसी की 1200 होती है। तो जो भी एलिमेंट होगा उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो एक निकलेगा, अगर ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे दो निकलेंगे, हमने एक पहला इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। तो यहाँ पर जब हाई वोल्टेज होता है और इसमें जो है प्रेशर इसका रिड्यूस कर देते हैं, तो यहाँ से बड़ी स्पीड में इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ मूव कर रहे होते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दीज आर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। अब जब क्लोरीन का सैंपल इसमें पहुंचेगा, जैसे स्लिट को मैं मार्क करता हूं, इसको मैं इस स्लिट को मैं ओपन करूंगा इस फरी को, तो पार्टिकल्स नंबर वन कम प्रेशर की वजह से बड़ी स्पीड में इस तरफ मूव करेंगे, और जब वो मूव करेंगे तो क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल था वो जब इसमें पहुंचेगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स गिरेंगे। अब इस बात को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा क्लोरीन का ये मॉलिक्यूल है, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया इसका, ये बाकी 6-6 इलेक्ट्रॉन्स के पास बचे हैं। ये मॉलिक्यूल जब इसमें आयनाइजेशन चैम्बर में होगा, इसके ऊपर जब हाई इलेक्ट्रॉन डेंस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर गिरेगा, ये इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी बहुत हाई है, हाई एनर्जी, तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा इसमें से, बड़ी स्पीड से गिरेगा क्योंकि इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, ये इसको उड़ा के ले जाएगा साथ, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल बन जाएगा आपके पास कुछ इस तरीके से। इसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन जो वो खुद था हाई एनर्जी, वो ये दो इलेक्ट्रॉन आपके पास चले गए। इसको हम ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे, Cl2 के जब इलेक्ट्रॉन गिरा तो ये बन गया Cl2 पॉजिटिव, एंड इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन वो पहला वाला था, एक इसमें से निकाल दिया। तो अब इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो मैं लगाने जा रहा हूं इसके ऊपर मैं लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है कि अगर मैंने सैंपल माइक्रोग्राम में भी लिया तो करोड़ों अरबों क्लोरीन के मॉलिक्यूल होंगे उसमें, एक ग्राम भी लेंगे अगर आप लोग तो आपको पता है कि एवोगैड्रो नंबर आपको पता है कि क्लोरीन के करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पर, इसके अंदर क्लोरीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये भी मॉलिक्यूल था, ये भी मॉलिक्यूल था, इनमें से कुछ आयोनाइज हो जाएंगे और कुछ नहीं होंगे, जरूरी नहीं सारे आयोनाइज हो, कुछ हो जाएंगे लेकिन हमारा काम बन जाएगा। अब ये मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर आपस में, क्योंकि इस में देखें अगर आप ये स्लिट नजर आ रही है, आपको ये स्लिट नजर आ रही है, इधर से गुजर सकते हैं, लेकिन बाकी जगहों पे आप इसमें टकराते रहेंगे इधर, और टकराने से ये टूट भी सकते हैं। अब ये अगर एटम मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो कहां से टूट सकता है, मॉलिक्यूल टूट सकता है बॉन्ड से, इसमें होती होमोलिटिक फिजन है, मतलब फ्रेगमेंटेशन होगी इसमें, कि ये जो Cl2 का मॉलिक्यूल था, ये वाला मॉलिक्यूल जिसके ऊपर चार्ज आ चुका था, अगर ये टूटेगा आप इसमें टकराएंगे, आप इसमें बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, इस टकराने से ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से टूट जाएगा, इससे बन जाएगा, एक बन जाएगा आपके पास Cl और एक बन जाएगा आपके पास ये दो इलेक्ट्रॉन इसके, ये एक इसका, इसके एक इलेक्ट्रॉन यहां था एक यहां था, तो ये तो पेयर बन गया, तो ये दो चीजों में से एक चीज आपके पास रेडिकल होगा जबकि एक होगा आपके पास आयन। पहली बात, जब क्लोरीन का सैंपल इसमें डोज किया या ब्रोमीन का सैंपल डोज किया आपने, या इसमें आयोडीन का सैंपल डोज किया या आपने इसमें सोडियम का, तो उसमें से पहली बात एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। क्यों एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से निकालेंगे कि उसमें से आईई वही प्रोवाइड करेंगे जिससे एक इलेक्ट्रॉन निकले, नंबर वन। नंबर टू, आप इसमें जब ये टकराएंगे तो ये टूट भी सकते हैं, और अगर टूट जाएंगे तो एक रेडिकल बनेगा और एक इसमें आयन बन जाएगा। अब ये पार्टिकल जब बन जाएंगे तो इसमें हम ये भी लिख देते हैं कि इसमें से कुछ टूट के Cl पॉजिटिव बन जाएंगे और कुछ टूट के Cl ही रह जाएंगे। अब यहां पर अगर आप देखें गौर से, तो मैंने पॉजिटिव प्लेट लगाई थी, जो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्जन हो जाएगी यहां पर, तो यहां से इनको पुश मिलेगा, तो ये प्लेट इनको पुश करेगी इलेक्ट्रॉन्स को कि भाई यहां से निकलो,
रिपल्जन मिलेगी, जबकि यहां पर आपके पास पॉजिटिव वालों के लिए देखिए अगर गौर से तो पॉजिटिव के लिए यहां यहां पे अट्रैक्शन बनेगी। तो इस केस में हम यहां पर बताते हैं कि यहां पर पॉजिटिव पार्टिकल्स के लिए अट्रैक्शन मिलेगी, तो दिस इज अट्रैक्शन एंड दिस इज रिपल्जन, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्सेलरेट हो जाएंगे जो चार्ज पार्टिकल्स बने, और वो जो है एक्सेलरेशन उनको मिलेगा, एक तरह से रिपेल और एक तरह से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इनमें से कुछ पार्टिकल जो है दे विल बी एबल टू क्रॉस दिस बैरियर और यहां से वो इमर्ज होंगे, यहां से बाहर निकलेंगे। उनमें से कुछ होंगे आपके पास Cl2 पॉजिटिव के पार्टिकल्स और कुछ होंगे आपके पास Cl के पार्टिकल्स। फिर आगे क्या करते हैं हम लोग, फिर आगे ये करते हैं कि यहां पर एक कर्व पाथ देते हैं हम लोग, और इस जगह पे हम अप्लाई कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कुछ टेस्ला इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, और इस तरीके से यहां पर हम लगा देते हैं डिटेक्टर। ये डिटेक्टर है, डिटेक्टर जो है एक्चुअली नेगेटिव प्लेट होती है, और इसमें जो है हमने ग्रेजुएशन की होती है, मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं जहां से हमारा काम स्टार्ट होना है, मैंने लिख दिया 34, फिर मैंने लिख दिया 35, फिर मैंने लिख दिया 36, फिर मैंने लिख दिया 37, फिर मैंने लिख दिया 38, और इस तरीके से 39, इसके ऊपर ग्रेजुएशन की होती है। क्या किया था, कैसे बनाया डिटेक्टर को, पहले हमने इसमें किसी पार्टिकल को जैसे फेंका, हाइड्रोजन वन को फेंका, जहां पे हाइड्रोजन वन गिरा उसको हमने मार्क कर दिया कि यहां पे वन वाला पार्टिकल यहां पे गिरेगा, उसकी डिफ्रैक्शन। अब इसमें यहां पर समझाने के लिए पहले फिर मैं वापस आता हूं उसके ऊपर, आपके पास ये दो तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं, ये वाले, एक हो सकता है Cl पॉजिटिव, दूसरा भी Cl पॉजिटिव, एक हो सकता है 37, एक हो सकता है 35। आपको पता है कि दोनों के ऊपर चार्ज तो बराबर है, चार्ज दोनों पे सेम है, लेकिन मास जो है एक का लाइट है एक का हैवी है, जो लाइटर पार्टिकल होता है वो ज्यादा डिफ्रेक्शन करेगा, और ये पार्टिकल जो है जाके गिरेगा कुछ इस जगह पे, जबकि ये वाला पार्टिकल जरा हैवियर है, ये जरा दूर जाके गिरेगा। ये जो डिफ्लेक्शन हो रही है ये किस बेस के ऊपर हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड से हो रही है। किस बेस के ऊपर हो रही है, चार्ज की वजह से या मास की वजह से, मास की वजह से। तो चार्ज हमने जानबूझ के सबके ऊपर वन रखा था ताकि सिर्फ जो है इनकी जो डिफ्लेक्शन है वो मास की बेस के ऊपर हो। तो ये जो दो लाइट्स है इनके ऊपर जो है हमने यहाँ पर नेगेटिव प्लेट लगी थी, यहाँ पर भी नेगेटिव प्लेट थी, यहाँ पर भी नेगेटिव प्लेट थी, यहाँ पर भी नेगेटिव प्लेट, ये सारी नेगेटिव प्लेट्स हैं। अब पता ये चला कि इसमें ये वाली जो लाइट है ये ब्लिंक करी और ये वाली लाइट ब्लिंक करी। अब 35 पे ब्लिंक करी और 37 ब्लिंक करी, इसका मतलब इसमें सिर्फ दो आइसोटोप्स हैं। अगर 34 की ब्लिंक करती इसका मतलब तीन आइसोटोप्स हैं। अब हमें पता चल गया कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, एक है 35 और एक 37। इस बेस के ऊपर हमारे पास एक ग्राफ बनेगा जो हमारे पास हम देखते हुए आ रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास होती है परसेंटेज अबंडेंस या अबंडेंस लिख देते हैं सिर्फ अबंडेंस, और यहां पर होता है हमारे पास मास अपॉन चार्ज, क्योंकि चार्ज सबका कॉमन होता है। तो हमने लिख दिया यहां पे 34, फिर लिख दिया 35, फिर लिख दिया 37 और 36, फिर 37, फिर 38, और फिर इस तरीके से यहां पर कुछ हम ग्रेजुएशन दे देते हैं, छोड़ देते हैं बीच में से, और इसको आगे अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको देख लेंगे कि ये 38 तक। तो पहली बात तो ये पता चली कि इसमें दो जगहों पे लाइट ब्लिंक करी, एक 35 पे और एक 37 पे, तो हमारे पास दो पता चला कि इसमें दो आइसोटोप्स। फिर पता ये चला कि ये वाली जो लाइट है आपके पास तीन दफा ब्लिंक करी, जबकि ये लाइट एक दफा ब्लिंक करी। इससे आपको ये पता चल गया कि ये जो है आपके पास इससे हम इसकी हाइट दे सकते हैं, कि पता ही चला कि ये लाइट तीन दफा ब्लिंक करी, ये वाली एक दफा ब्लिंक करी। तो यहां से हम अगर इसको नोट करें सिमिलरिटीज को, अगर नोट करें तो इनकी दोनों की हाइट से हमें
इनकी अबंडेंस पता चल रही है कि ये बोल रहे हैं तीन दफा, ये एक, इसका मतलब इसमें दो आइसोटोप्स हैं, एक 35 वाला और एक 37 वाला, नंबर वन, दो आइसोटोप्स। नंबर टू, जो 35 वाला है उसके तीन पार्टिकल्स हैं, जो 37 वाला है वो एक पार्टिकल। इसका मतलब कि हर चार पार्टिकल्स में से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, एक 35 एक 37, और दोनों की जो अबंडेंस है एक की 3:4 है, एक की 1:4 आउट ऑफ एवरी फोर पार्टिकल्स, ये हिसाब किताब। या इसको कुछ और कर देते, मतलब अगर ये लाइट जो है, अगर आप लोगों मैथ्स पढ़ी है आप लोगों ने, तो ये जो है इसको मैं डबल कर देता हूँ कि ये जो है लेट से 6 दफा ब्लिंक करी, उस वक्त ये 2 दफा ब्लिंक करी, तो रेशियो तो वही रहेगी इसमें। तो इसमें हमें पता चल गया कि 3:1 का रेशियो है, ठीक। तो नंबर वन बात तो ये होगी कि हमारे पास इसके दो आइसोटोप्स हैं जिसमें ये वाला मामला होगा। इसकी बेस के ऊपर थोड़ा सा और काम कर लेते हैं यहाँ पर, और वो एक पेज इंसर्ट करते हैं यहाँ पर हम, कि हमने कहा कि एक क्लोरीन 35 वाला है और एक 37 वाला है, इसका रेशियो 3, इसका रेशियो 1। अब अगर इसकी परसेंटेज निकालनी हो तो मसला ही नहीं है, 3/4 ये हो गया, 1/4 ये हो गया, इनटू 100, तो हमारे पास परसेंटेज इसकी आ गई 25%, इसकी आ गई 75%। अगर मैथ्स वीक है तब भी करके दिखा सकते हैं, ऑल्टरनेट वे में अगर मैथ्स आपकी वीक है तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि क्लोरीन 35 की अगर परसेंटेज निकालनी हो तो हमने कहा कि आउट ऑफ 4, 35 के कितने होते हैं, 3 होते हैं, तो 100 में कितने होंगे x, इसका आंसर आ जाएगा 3/4 × 100, इसका आंसर आ जाएगा 75। इस तरीके से अगर 35 वाले की, 37 वाले की परसेंटेज निकालनी हो तो उसके लिए आपने कहा कि 4 में से एक होता है तो 100 में से कितने होंगे x, तब आपका आंसर आ जाएगा 1/4 × 100, तब आपके पास 25% आ जाएगी, ठीक जी। ये दो बातें, तो हमारे पास ये दो पीक्स आ गई जिससे हमें पता चल गया आइसोटोप। तो हम यहाँ पे चलते हैं, वापस आते हैं, आइडेंटिफाई द आइसोटोप्स पता चल गया, उसके बाद उनकी परसेंटेज भी पता चल गई, ये दो बातें पता चल गई, ठीक जी। अब इसके बाद यहाँ पे मामला खत्म नहीं हुआ, मामला कुछ और भी है, और वो ये है कि ये वाला पार्टिकल भी तो है इसमें, देखें ये वाला पार्टिकल, ये भी तो गिरेगा जाके। अब अगर ये जाके गिरेगा तो इसकी भी तो पीक्स आएंगी। अब इसमें हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं, गौर से देखें, तीन पॉसिबिलिटीज कि क्लोरीन क्लोरीन, और यहां पे क्लोरीन क्लोरीन, और यहां पर भी क्लोरीन क्लोरीन। पहली बात, ये भी 35 वाला हो, ये भी 35 वाला हो। दूसरी पॉसिबिलिटी, ये 35 वाला हो, ये 37 वाला हो। और तीसरी पॉसिबिलिटी, ये 37 वाला हो और ये भी 37 वाला हो। देखें अबंडेंस, मतलब ये तो रैंडम है ना सर, तो हम इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। इसकी बेस के ऊपर हम यहाँ पर लिखते हैं कि अगर आपने क्लोरीन को इसमें इंसर्ट किया तो आपके पास दो चांसेस हैं कि क्लोरीन जो है टूट जाए, पहुंचेगा तो ऐसा होगा, और अगर ना टूटे तो ऐसा होगा। अगर इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, एक 35 और एक है 37। तो इनकी पीक्स कहां कहां पे आएंगी, मास अपॉन चार्ज में, एक हमारे पास आ जाएगी 35 पे पीक आ जाएगी, एक आ जाएगी 37 पे, ये तो सही हो गया। अब दूसरी वाली पॉसिबिलिटी जो है उसमें देखते हैं कि क्या मामला है। उसमें पहली पॉसिबिलिटी ये है कि 35 और 35 वाला हो जाएगी, तो आपके पास जो मास अपॉन चार्ज पे जो पीक आएगी दैट विल बी एट 70। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये 35 रहे जबकि ये 37 हो जाए, अब पीक आपकी आएगी 72 पे। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पहले मैंने इन दोनों को कांस्टेंट रखा प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, अब दूसरी बार मैं इसको कांस्टेंट रख रहा हूं, इसको मैं कर देता हूं 37 और दोबारा लिखता हूं 37, इसको 35 कर दिया, इसको मैंने 37 कर दिया। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स ओनली डिटेक्ट एट डिटेक्टर, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज लगाना भी जरूरी होता है। इसकी पीक फिर आएगी आपके पास 72 पे, जबकि इसकी पीक आएगी आपके पास 74 पे। देखिए पीक तो ये एक ही जगह पे है, आप ये देख लें कि मैंने प्रोबेबिलिटी निकाली है, पहले इसको फिक्स किया है फिर दूसरी दफा मैं इसको फिक्स किया। इसकी वजह से हुआ क्या कि मेरे पास एक्चुअली तो तीन पीक्स आई हैं, जो नजर आपको चार आ रही है, क्योंकि ये पीक एक ही है,
इसलिए अगर मैं रेशो लिखूं तो इनकी रेशो ये बन जाएगी आपके पास, इसकी रेशो तो हमारे पास 35 एंड 37 की जो रेशो है वो आपको पता चल चुकी है, ये 3:1 होती है। जबकि इसकी रेशो की अगर बात करते हैं, एक 70 की पीक आएगी, एक 72 की पीक आएगी, एक 74 की पीक आएगी, तो आपके पास इसकी रेशो अगर 1 है, इसकी रेशो 2 बनेगी, इसकी रेशो 1 होगी। ये एक पीक आपके पास 70 की आएगी, रेशो 1 है, 72 वाले के चांसेस डबल हैं और 74 वाले के चांसेस एक है। ठीक, तो आपके पास कुछ ये ग्राफ यहाँ पे खत्म नहीं हुआ बल्कि आगे भी कुछ आना है, इसलिए यहां पर हमने कर दिया इसको मार्क। एक हमारे पास 70 पे पीक आनी है, एक 72 पे भी आनी है और एक 74 पे भी आनी है। और इनमें अभी फिलहाल तो यही कि इनमें रेशो जो है, अगर इसकी रेशो 1 है, इसकी रेशो भी 1 है, तो इसकी डबल रेशो होती है, इसका मतलब 1, 2 एंड 1। नंबर 1 ये वाला मामला कि आपके पास ये पूरा मास स्पेक्ट्रम में 5 पीक्स आएंगी, 2 आइसोटोप्स की होगी और 3 पीक्स जो है मॉलिक्यूल की होगी। अब इनको सबको सेट करना है कि यार अगर सबकी परसेंटेजेस जो है वो आपके पास एएस में तो नहीं पूछता था, अब A2 में पूछेगा कि आप सबकी रिलेटिव हाइट्स का बताएं कि क्या क्या हाइट्स बनेगी असल मास स्पेक्ट्रम में, क्या क्या हिसाब किताब बनेगा। इस बेस के ऊपर जो है हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या हालात हो जाएंगे इस वक्त। इसमें हम पहले एक पीक हमारे पास 35 की आनी है, CL35, तो इसकी पीक आएगी आपके पास 35 पे। और इस तरीके से हमारे पास एक पीक आनी है 37 पे, तो हमने लिख दिया 37, ये 2 पार्टिकल्स की पीक आएंगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक पीक आनी है 35 एंड 35, मतलब 70 पे जो पीक आनी है, एक पीक आनी है हमारे पास 35 एंड 37, तो ये पीक 72 पे होगी। और लास्ट पीक आनी है हमारे पास 37 एंड 37, तो ये 74 पे पीक होगी। अब अगर इनकी परसेंटेजेस की बात करें तो इसकी रेशियो बेटा होती है 3/4, जबकि इसकी रेशियो होती है 1/4। अब 35 वाला अगर 3/4 होता है और ये भी 3/4 होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9/16। रेशियो निकालने जा रहे हैं सबको एक साथ करना, इसमें 3/4 हो गया जबकि इसमें 1/4 हो गया, द आंसर इज 3/16, जबकि इसमें 1/4 एंड 1/4, इसका आंसर आ गया 1/16। अब इस वाली पीक के चांसेस डबल होते हैं, किस वाली पीक के, इस वाली पीक के चांसेस डबल होते हैं जो अभी पीछे बता के आए, इसलिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका आंसर हो जाएगा 6/16। अब आपके पास 35 37 70 72 74, इन सब का हिसाब किताब पीक्स की हाइट्स क्या बन रही है। इसकी 3/4 थी, इसकी 1/4 थी, इसकी थी 9/16, इसकी थी 6/16, जबकि इसकी थी 1/16। अब इन सबको एक ही कैटेगरी में लेके आना है तो सबका डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तभी ऐसा हो सकता। इन सबका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको 4/4 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 4/4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो सबका डिनोमिनेटर 16 हो जाएगा। तो अब इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 12/16, इसका हो जाएगा 4/16, इसका हो जाएगा 9/16, इसका हो जाएगा 6/16 एंड इसका हो जाएगा 1/16। अब जब सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया
तो ये चीज कॉमन हो गई, इसको हटा दें तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी इसकी 12 35 वाले की, 37 वाले की रेशियो आ जाएगी 4, 70 वाले की रेशियो आ जाएगी 9, इस वाले की रेशियो आ जाएगी 6 और इस वाले की रेशियो आ जाएगी 1। इस बेस के ऊपर जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो ग्राफ जो है कुछ ऐसा हो जाएगा कि एक हमने कहा कि 35, 37, फिर हमारे पास 70, 72 एंड 74 की पीक्स कहां कहां पे जाएंगे। 35 की पीक जो है 12 की होगी, तो हम एक लाइन को जो है मार्क कर लेते हैं दो के लिए, तो 2, 4, 6, 8 और 10 और 12 ये यहां पर जाएंगे। इस बेस के ऊपर अगली 4 पे है, इसका मतलब ये पीक 4 पे होगी। फिर जो है 70 वाली पीक जो है 9 पे होगी, इसका मतलब हो गया 4 और 4.5 पे जाएंगे, 2, 4, 6, 8 और 9। इसके बाद अगली वाली जो है 6 पे होगी, इसका मतलब 3 पे जाएंगे इसके लिए, और अगली वाली जो है 1 पे होगी जिसके लिए हम जाएंगे हाफ। तो अगर इसको हम मार्क करने की कोशिश करें तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर बल्कि ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको, 2, 4, 6, 12, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो ये हाइट हमारे पास आएंगी, ये क्लोरीन का हमारे पास जो है मास स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा आएगा। ठीक जी, तो पहली बात तो हमारे पास ये क्लोरीन वाली बात हुई है, तो इसको मैं एक्चुअली क्या क्या काम हुआ था, तो इसमें अब आपको यहाँ पे दिखाते हैं। सबसे पहले वेपराइजेशन हुई थी, आपने गैस में कन्वर्ट किया था उसको, दूसरा आपने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से उसको आयोनाइज किया था, फिर आपने एक्सेलरेट किया था किस चीज से, इलेक्ट्रिक प्लेट से, इलेक्ट्रिकल प्लेट जो थी उससे आपने एक्सेलरेशन की थी। उसके बाद आपने डिफ्लेक्शन की थी, किससे रिफ्लेक्शन की थी आप लोगों ने उससे मैग्नेटिक फील्ड से, एंड फिर डिटेक्शन हुई थी डिटेक्टर पे, और उसके बाद जो है हमारे पास रीड आउट आ गया था। ठीक है, तो इसकी छोटी सी एक डायग्राम बनी हुई है और हमारे पास क्लोरीन का हमने काम कर लिया। अब क्लोरीन का जो है ये एक्चुअल जो है मैंने उससे जो नेट से उठाया ये आपके सामने है, इसकी हाइट आप चेक कर सकते हैं, जो कि रेशियो मैंने बताई आपको, तो आप निकाल सकते हैं। इसी की बेस के ऊपर मैं 7 जो इसके काम असाइन करता हूं ब्रोमीन के लिए। ये देखें, ब्रोमीन के लिए मैंने काम असाइन किया है और ब्रोमीन में आपसे पूछा है कि क्या क्या इसमें हिसाब किताब होगा। वो कहता है कि ब्रोमीन के 2 आइसोटोप्स हैं, एक 79 वाला है, एक 81 वाला, और दोनों की परसेंटेज 50-50 है। वो कह रहे हैं डिड्यूस द नंबर ऑफ पीक्स एंड देयर हाइट्स, पीक्स भी बतानी है उनकी हाइट्स क्या क्या होंगी ये भी बतानी है। ये वर्किंग भी करके दिखा देते हैं आपको। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है ब्रोमीन को जब लेंगे तो ब्रोमीन में 2 पॉसिबिलिटी है, एक तो ब्रोमीन सही सलामत पहुंच जाए आपके पास Br2 पॉजिटिव, और एक हो जाए Br पॉजिटिव। तो एक आपके पास Br 79 की पीक आएगी, एक Br 81 की आएगी, जबकि यहां पर Br, इसको हम नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं ताकि जरा आसान हो जाए। ब्रोमीन 2 पॉसिबिलिटीज है, एक ब्रोमीन टूटा हुआ पहुंचे वहां पे डिटेक्टर के पास, एक एज ए मॉलिक्यूल ही पहुंचा आयनाइज फॉर्म। इसके 2 आइसोटोप होते हैं, वो जरा साइड पे लिख दूं मैं, एक ब्रोमीन और दूसरा भी ब्रोमीन, ये 79 वाला, ये 81 वाला, इसकी भी 50% होती है, इसकी भी 50% होती है, जैसे क्लोरीन में 75% था, यहाँ पर ये हिसाब किताब। अब पीक्स ढूंढते हैं, इसमें हमारे पास जो पीक्स आएंगी एक हो जाएगी 79 वाली,
इसकी रेशियो हो जाएगी 1/2, एक हो जाएगी हमारे पास ब्रोमीन 81 वाली, इसकी भी रेशियो 1/2, हर दो में से एक पार्टिकल होगा 50-50%। अब जो है मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं, तो आपने पहला मॉलिक्यूल उठाया ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, आपने ये भी 79 ले लिया, ये भी 79 ले लिया, पॉजिटिव चार्ज भी लगा दिया, ये पीक आएगी 158 पे, इनकी रेशियो क्या बन जाएगी 1/2 × 1/2, द आंसर विल बी 1/4। दूसरी पीक आ जाएगी आपके पास ब्रोमीन 79 इसको कर दिया, ब्रोमीन 81 इसको कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, इसका आंसर आएगा आपके पास 160। इसकी रेशियो 1/2 है, इसकी भी रेशियो 1/2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। तीसरी पीक आएगी आपके पास, अब पहले मैंने इसको कांस्टेंट रखा था, अब दूसरी दफा मैं इस ब्रोमीन को कांस्टेंट रखता हूं, इसको मैं 81 कर देता हूं और इस वाले को भी 81 कर देता हूं। इसको 79 कर दिया, इसको मैंने, इसको 81 कर दिया, इसका 1/2, इसको भी 1/2, द आंसर इज 1/4 और ये पीक थी आपके पास 160 पे ही, जबकि इसमें हो गया आपके पास 1/2 and 1/2, द आंसर इज 1/4 और ये आपका 162 पे पीक जा रही है। तो जो 162 पे पीक जा रही है, इसकी रेशियो ये आ रही है, जो 160 पे जा रही है, इसकी यहां से भी 160 आ रहा है और यहां से भी 160 आ रहा है, इसके चांसेस डबल हो रहे हैं। देखें गौर से, इसको मैंने अब कांस्टेंट किया था, इसके चांसेस उस तरीके से जैसे क्लोरीन वाले के 70 वाले के चांसेस डबल हो रहे थे 72 वाले के। इस तरीके से ये वाली पीक जो है, इसकी हाइट आपके पास ये आ रही है। अब इन सबको एक साथ करते हैं, कि हमने कहा कि एक हमारे पास आएगी 79 की, एक आएगी 81 की, एक आएगी 158 की, एक आएगी 160 की, एक आएगी 162 की। इसकी रेशियो आई 1/2, इसकी आई 1/2, इसकी आई 1/4, इसकी आई 1/4 × 2 और ये आई 1/4। इसको हम उतारते हैं वैसे ही 1/2, ये 1/4, ये हो गया 2/4 और ये हो गया 1/4। अब इनका सबका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम इनको, ताकि कंपेरेबल हो जाए, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 2/4, 2/4, 1/4, 2/4 and 1/4। अब सबका जब डिनोमिनेटर हमने कांस्टेंट कर दिया है, इस बेस के ऊपर इसका जो ग्राफ आएगा एक 79, एक 81, फिर 158, फिर 160 एंड फिर 162। तो इसकी हाइट जो है, जो रेशोज बन रही है, वो हमारे पास बन रही है, यहाँ पर अबंडेंस आती है, अबंडेंस की बेस के ऊपर इसकी हाइट 2 के बराबर होगी, इसकी हाइट भी 2 के बराबर होगी, इसकी हाइट 1 के बराबर होगी, इसकी हाइट 2 के बराबर होगी, इसकी हाइट 1 के बराबर होगी। इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये वैसे तो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें, लेकिन अभी क्योंकि हमारी क्लासेस कुछ इस तरीके से चल रही है कि बोर्ड हमारे पास हम लोग मिलते मिलते नहीं है, तो मैंने इसी वक्त आपको करवा दिया, इसको फिर मैं रख लेगा। तो ये तो हमारे पास हो गया दो सिंपल एलिमेंट्स का। अब जो है आप जो है इससे ये वाला काम आप लोग कॉलेज से करते हुए आ रहे हैं, कि जब आपके पास परसेंटेजेस भी आ जाती हैं और आइसोटोप्स का भी पता होता है, तो उसकी बेस के ऊपर आप लोग क्या निकाल लेते हैं, एक्चुअल उसका एआर निकाल लेते हैं। ये वाला फार्मूला आप लोगों ने कॉलेज से करते हुए आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा दूं कि क्या था ये फार्मूला। Above
ये फार्मूला ये था कि आपसे कहा जाता था कि क्लोरीन जो है उसका एक आइसोटोप होता है 37 और 35 एक होता है 37। अब वो आपको क्वेश्चन दे देता है कि ये 75% है और ये 25% है। अब आप इसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल दें, तो हम रिलेटिव एटॉमिक मास जिसको AR कहते हैं उसको निकालने के लिए फार्मूला ये था कि आइसोटोप A into its percentage plus isotope B into its percentage and सारी percentage का sum जो है वो 100 होता है, उससे अगर divide कर देंगे तो आपके पास answer आ जाएगा। तो इसमें अगर हम इसको apply करें तो हमारे पास हो जाएगा isotope A जो था हमारे पास 35 था और उसकी percentage जो थी, दूसरा isotope जो था हमारे पास वो था 37, उसकी percentage से इसको multiply कर देंगे और सारी परसेंटेज का सम जो है वो 100 होता है, इसलिए आपने इसको 100 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं ये भी बता देता हूं आपको कि आपके पास ये 75 था ये 25 था, इसलिए आपने इसको 100 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे एवरेज निकालते हैं, तो जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि एक लैपटॉप जो है उसका मास जो है वो है 200 ग्राम और एक जो है माउस जो है उसका मास जो है वो है लेट्स से 50 ग्राम, तो अगर आप इन दोनों का एवरेज निकालना हो तो आप क्या करेंगे 200 प्लस 50 डिवाइड बाय 2 कर देंगे। आप 2 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि दो पार्टिकल्स थे, एक माउस था और एक वो था। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप जो है वो 2 हो जाए और माउस जो है 5 हो जाए तो क्या एवरेज निकाल सकते हैं? तो ये उसी की बेस के ऊपर फार्मूला बना हुआ है। अगर यही क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाता कि वो हमसे कहता कि यहाँ पे लाइन खींचते हैं इसको, वो आपसे कहता कि क्लोरीन जो है 35 है और क्लोरीन 37, इसकी परसेंटेज जो है 6 है, इसकी 2 है अबंडेंस रेशियो। आप निकाल दें इसी को फार्मूला को यूज करते हुए, हमने लिखा AR, फिर हमने लिखना था एक 35 वाला है और एक 37 वाला, और इन दोनों को हमने डिवाइड किससे करना है? अब इसके कितने पार्टिकल्स थे 35 वाले के? 6। इसे कितने पार्टिकल्स थे? 2। टोटल पार्टिकल कितने हो गए? 8। देखिए क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये बात समझ लें, मैथ से सिंपल, इसलिए डिवाइड किया था। अब ये 6 और 2 दीजिए तो आप 8 से डिवाइड करेंगे, तो आपको डिपेंड करता है वो किस तरीके से क्वेश्चन देता है। ये एएस में क्वेश्चंस थे ऐसे, ठीक है जी। इसी बात हम कर लेते हैं यहां पर, वो कहता है कि ये अब एएस के नोट्स में दिखा देता हूं आपको, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, तो बल्कि यही पे चले कर लेते हैं। अब वो क्वेश्चन करता है कि इफ एआर ऑफ बोरोन इज 10.8, इट हैज 2 आइसोटोप्स बोरोन 10 एंड बोरोन 11, फाइंड परसेंटेज ऑफ ईच। तो हमने कहा कि ए आर जो है वो होता है आइसोटोप ए इंटू इट्स परसेंटेज एंड आइसोटोप बी इंटू इट्स परसेंटेज एंड सारी परसेंटेज का सम जो है वो 100 होता है, परसेंटेज में बात करेगा तो, इसलिए हम परसेंटेज का सम 100 लिख सकते हैं। अब इसको अगर फिल करना है तो उसने कहा कि इसका 10.8 था, सेट हो गया। आइसोटोप एक था 10 वाला, इसकी परसेंटेज नहीं पता आपको, एक 11 वाला था, इसकी परसेंटेज भी नहीं पता आपको, और परसेंटेज का सम जो है वो 100 होता है, ये बात आपको पता है। अब इनकी परसेंटेज मतलब हर आइसोटोप की निकालनी है, तो अगर आप इसको एक्स, एक की परसेंटेज को एक्स एज्यूम करते हैं, दूसरे की वाई एज्यूम करते हैं, तो फिर आप बेवकूफ हैं, दो वेरिएबल सॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है। ये भी ओ लेवल पे क्वेश्चन करवा देते हैं हम, तो अब आपसे जो है पूछ रहे इसके बारे में। देखिए अगर क्लास में अच्छे बच्चे 20% है तो गंदे बच्चे कितने होंगे? 80%। वो 80% कैसे बता रहे हैं आप? 100 में से माइनस करके। आप लोगों ने यहां पर इसको हटा देते हैं हम, इसकी अगर परसेंटेज एक्स है तो इसकी हो जाएगी 100 माइनस एक्स परसेंटेज, और ये इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो ये भी एएस का ही क्वेश्चन था, इसकी बेस के ऊपर हम क्या निकाल लेते हैं, एक्यूरेट रिलेटिव एटॉमिक मासेस निकाल लेते हैं। तो अब जो है फाइंडिंग एआर निकालने के लिए, ये वाली बात जो है आपको पता थी, तो हम जो है आपको हल्का सा इसका रिकैप दिया है। अब इसका फायदा क्या है, देखिए जितना हमारे पास एक्यूरेट डेटा आएगा उसी की बेस के ऊपर हम एक्यूरेट जो है सारा काम कर सकते हैं। तो ये जो है लास्ट टू क्वेश्चन अभी इसको करने के बाद हम रोकेंगे यहाँ पर इसको, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पर ये कह रहा है कि एक गैस है, एक गैस है जिसका एमआर इतना है, ये कैसे पता चला, मास स्पेक्ट्रोमेट्री से। देखिए तकरीबन 28 है, ये कह रहा है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। आपको पता है कि ये तकरीबन अगर इसको देखें अप्रोक्सीमेशन में ये 28 है, ये 14 होता है तो 14 × 2 = 28, ये 12 and 16 = 28, ये 24 हो जाएगा दो कार्बन का और चार हाइड्रोजन, ये भी 28। तो बोला कि तीन गैसेस हो सकती हैं जो इसके बराबर हो सकती हैं। बोला कि एक्यूरेट जो एआर आपके पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री से आता है उसका क्या फायदा है, उससे क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए एक्यूरेट ये होता है आपके पास, आप लोग जब ओ लेवल में थे हाइड्रोजन का मास क्या लिखा होता था, 1, सिर्फ क्लोरीन का 35.5 लिखा था, बाकी सबके लिए आपको पता है कि होल नंबर आता था। लेकिन जैसे ही आप लोग एएस में आए तो आप लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का मास लिखा होता है 1.00 ऐसा कुछ लिखा होता है। तो अब आपके पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री में एक्चुअल डेटा जब आ जाता है जिसकी बेस के ऊपर आप इसको फाइंड कर सकते, उसने कहा है कि ये है, अब आप इसमें सब में ट्राई करके देख लें। पहले अगर इसको ट्राई करते हैं तो इसका मास जो है आपने कर दिया, अगर एन टू की बात करेंगे तो आपको करना पड़ेगा 14.003 × 2, इसका आंसर आ जाएगा 28.006। तो ये तो इसके साथ मैच नहीं हो रहा, ये गया क्रॉस। दूसरा जो है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर बात करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो ये हो जाएगा कार्बन का मास हो गया 00। जी जी वो कॉमन सेंस से भी हो रहा है, इसलिए मैंने अगला पार्ट भी दिया इसका 0.995। तो दूसरा जो है ऑक्सीजन का मास हो गया 15.995, जिसका आंसर आ जाएगा आपके पास 27.995, जो कि आपका आंसर हो गया जो इसके साथ मैच कर रहा। तो लास्ट वन उस पर चेक करते हैं, तो वो आपके पास है C2H4, जिसको मैं चेक करूं तो ये बन जाएगा 12.000 × 2, इसका आंसर आ जाएगा 24.000, और साथ जो है उसके आ जाएगा 1.0078 × 4 करेंगे, जिसका आंसर जो है निकाल लेंगे तो 4 जो भी आएगा, तो इसका आंसर जो है वो कुछ और होगा। तो आपके पास इसका आंसर जो है हमारे पास सेकंड वाले से पूरा हो गया। इसी की बेस के ऊपर आपको जब ये नोट्स मिलेंगे तो आप लोग ये काम करने की कोशिश कीजिएगा कि एमआर टोटल 70 आ रहा है, जो तीन मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है, इन सबका मास जो है तकरीबन 70 आ रहा है। वो कह रहा है कि जो गिवन कंपाउंड है उसका मास इतना आ रहा है, तो आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा मॉलिक्यूल हो सकता है, तो ये वाला काम आप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक छोटी सी चीज रह गई है, छोटी सी चीज तो नहीं, मतलब मेजर चीज जो है वो रह गई है हमारे पास, तो उसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर कंप्लीट करेंगे। तो अभी यहाँ पे इसको रोकते हैं।